सी टेट 2021 पेपर वन और पेपर टू। पेपर वन के लिए 1 to 5 क्लास के लिए होता है और पेपर टू 6 to 8 क्लास के लिए होता है। पेपर वन में बाल विकास एवं शिक्षण, यह 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, और भाषा वन में यह भी 30 नंबर का पूछा जाता है, और भाषा टू में भी 30 नंबर का होता है, और गणित 30 नंबर का रहता है, पर्यावरण अध्ययन 30 नंबर का रहता है। ये पांचों पेपर मिलाकर आपको 150 नंबर का प्रश्न होंगे, और 150 ही क्वेश्चन रहते हैं, इस पर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। यह परीक्षा 1.5 घंटा का होता है, और आपको जिसमें से 150 में से आपको, अगर यदि आप जनरल से हैं तो आपको 90 नंबर लाना होगा, और ओबीसी एसटी और एससी हैं या अन्य हैं तो आपको 82 नंबर लाना होगा, तभी आप सीटेट क्वालिफाइंग माना जाएगा। अब आपको बताते हैं पेपर टू के बारे में। पेपर टू जो होता है, यह बाल विकास एवं शिक्षण, यह 30 नंबर का रहता है। भाषा वन 30 नंबर का रहता है। भाषा टू ये भी 30 नंबर का रहता है। और जो अपना ग्रेजुएशन साइंस से किए हैं वह अपना मैथ और विज्ञान रखेंगे, और जो आर्ट्स से किए हैं ग्रेजुएशन वह सामाजिक अध्ययन रखेंगे, जो 60 नंबर का पूछा जाता है। ये भी इसमें भी वन पेपर वन के जैसा ही है। कुल अंक आपको 150 नंबर का होगा, और वह इसमें भी टाइम वही 1.5 घंटा ही मिलेगा आपको। और यू आर जी हैं आप जो मैंने जनरल कैटेगरी से, तो आपको 90 नंबर लाना होगा, और ओबीसी एसटी एससी और अन्य हैं तो आप 82 नंबर लाना पड़ेगा आपको, तभी आप सीटेट पास कर सकते हैं। अब आपको बता रहे हैं भाषा वन और दूसरा भाषा टू। भाषा वन और टू आप किस प्रकार से इसकी दो भाषा को आप चयन करेंगे। अगर आपको ज़्यादा, आपको भाषा वन जिस भाषा में आपको ज़्यादा पकड़ है और आप अच्छा तरह से जानते हैं, आप फॉर्म भरते समय भाषा वन को रखना है, और जिस भाषा को आप उतना अच्छा से नहीं जानते हैं या कम जानते हैं या ऐसा है कि मैंने उसमें से ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है आपको, तो भाषा आप टू रखेंगे, क्योंकि ये भाषा वन में जो होता है यह प्रश्न जो क्वेश्चन रहता है भाषा वन के लिए वह कठिन रहता है, और भाषा टू के रहता है तो वह प्रश्न इजी रहता है। इसलिए भाषा वन में आप जब भी जो विषय आप ज़्यादा जानते हैं भाषा वन में डालेंगे, और जो विषय आप कम जानते हैं उस भाषा टू में डालेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं जीके क्लासेस।